संघ का कुछ नहीं है। पूरे भारत में संघ के नाम से कुछ नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सबके लिए एक अलग अलग न्यास है। संघ के नाम पर कुछ नहीं है। संघ का जो कार्यालय है नागपुर में, प्रधान कार्यालय कहते हैं, डॉक्टर हेडगेवार भवन, वो भी संघ के नाम से नहीं है। जो सरसंघ चालक होता है उसके नाम पर वो आ जाता है, बदलते रहता है। तो इसका मतलब अपना शब्द में मालकियत का भाव नहीं है। मेरी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी, हम चाहे जैसे, ऐसा नहीं है वो। तो ये एक आत्मीयता के कारण हमसे जुड़ा है, इसलिए वो अपना है। कार्यालय बने इसलिए कितने लोगों ने परिश्रम किया, कितने लोगों ने धन दिया, वो बन गया है तो कितने लोगों के मन में उत्साह का संचार हुआ, आनंद का संचार हुआ। ये सब क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि अपनेपन की भावना है। हमारा अपना संघ है और संघ के हम स्वयंसेवकों ने उस अपनेपन के चलते कुछ पुरुषार्थ किया, जिसके कारण ये कार्यालय खड़ा हो गया। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें सबका हाथ लगा है, तो ये अपनापन केवल संघ तक मर्यादित नहीं है। संघ तो पूरे समाज को अपना मानता है। संघ के श्रेष्ठ कार्यकर्ता कह चुके हैं और कहते रहते हैं कि ये अपना संघ एक दिन बढ़ते बढ़ते समाज रूप हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि समाज के लोग संघ के हैं और संघ के सब लोग समाज के लिए ही है, तो संघ ये नाम भी हट जाएगा, हिंदू समाज ही संघ बन जाएगा। हमको पूरे समाज का संगठन करना है, समाज में अपना अलग संगठन नहीं खड़ा करना है।